इंडिया नाम नहीं है भाई, उसका ओरिजिनल नाम है इंडी। इंडी खत्म हो गया। অভিজিৎ গাঙ্গুলী মহোদয় যেভাবে দুর্নীতি মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্যে এবং বেকার যুবক যুবতীদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে, যে চাকরির প্রতারণ হয়েছে, তার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা নিয়েছেন, আমি ওনাকে মনে করি, আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে তিনি পশ্চিমবাংলার নতুন সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি হিসেবে উদিত হয়েছে। আমরা দলমত নির্বিশেষে বর্ণধর্ম নির্বিশেষে ওনাকে প্রণাম নিবেদন করি যে তার এই লড়াই যেন সার্থক হয়। সিবিআই থানা হচ্ছে রাজ্যে, এবার এবার রাজ্যে সিবিআই থানা হবে। শোনা যাচ্ছে নিশ্চিতভাবে আমরা বিয়ে হচ্ছে অধিকারের লড়াই, এই অধিকারের লড়াইতে তাদের পাশে আমরা আগেও ছিলাম, আজও আছি, ভবিষ্যতে। আপনি পুরুলিয়া জেলার ছেলে, আপনার এখানে পাহাড় গুলো বেঁচে দিচ্ছে, পুরুলিয়াকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, প্রকৃতি যা দিয়েছিল সব লুট হচ্ছে প্রতিদিন, এবং যেভাবে গোমাতা গরুকে পার করানো হচ্ছে বাংলাদেশে, ঝাড়খন্ড থেকে হাতিয়াকে গরু আসছে, তাকে কন্টেনারের ভিতরে ঢুকিয়ে, এমনকি আমাদের এই দুধের যে গাড়ি তার ভিতরে ঢুকিয়ে, আপনার বাঁকুড়া দিয়ে আরামবাগে উত্তর দিয়ে তাদেরকে এগিয়ে ফুলবেড়িয়ার হাতে তোলা হচ্ছে, আর ডায়মন্ড হারবার মডেল দিয়ে আপনার ওখানে নৌকা পেরিয়ে বাংলাদেশে পালন করা হচ্ছে। হাজার হাজার গরু, লাখে লাখে গরু সারা রাত্রি ধরে গাড়িতে কোথাও কোথাও হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, একে গোটা গোটা পাহাড় বেঁচে দিয়েছে পুরুলিয়াতে। মমতা ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করুন, মমতা ব্যানার্জির আদরের বালু, ইন্ডিয়া নাম নেই হ্যায় ভাই, উসকা অরিজিনাল নাম হ্যায় ইন্ডি। ইন্ডি খতম হো গিয়া। ইয়ে জো উচ্চ প্রদেশ মে চুনাও আয়া থা উসকা পেহলে ইন্ডি জোট মে উনহোনে ইন্ডি জোট কো সামনে রাখতে হুয়ে চুনাও মে সেমিফাইনাল বোলা থা আর সেকেন্ড কাস্ট সেন্সাস কি নারা দিয়া থা। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारी राजस्थान का जनता ने हिंदी जोट को खत्म कर दिया। ये हाफ हार्टेड जोट है जिसका कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी नहीं है। हम लोग का पास नरेंद्र मोदी है, दो लोग प्राइम मिनिस्टर का रेस में था, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, देश को दो टुकड़ा हुआ। अभी 26 से 28 लोग प्रधानमंत्री का रेस में है, हमारी भारत का संतान हम देश को 26 टुकड़ा करने के लिए तैयार नहीं है, देश एक ही रहेगा। कश्मीर से ये पूरा देश देख लिया ना, चार प्रदेश में मोदी जी का आंधी देख लिया, अगले लोकसभा चुनाव में मोदी जी का सुनामी देखेगा, और मोदी जी का सुनामी में पुरुलिया भी रहेगा। ये इसका कोई जनाधार नहीं है, ये हम लोग का एमपी एमएलए का खिलाफ एक तो काम करने के लिए रुकावट डाला, छोटा छोटा ऑफिसर तक
एमपी एमएलए बीजेपी का फोन नहीं पकड़ता, मुलाकात नहीं करता। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है दिशा का एक मीटिंग भी नहीं बुलाया, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का सब प्रोजेक्ट हर घर नल से जल से लेकर जहां मैंडेटरी है लोकल एमपी को बुला के इनोग्रेशन करना और फाउंडेशन स्टोन लेइंग करना। एक भी प्लेस पे हमारी कोई एमपी साहब को एमएलए लोग को नहीं बुलाया। इतना राजनीति पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में हर समय ममता जी की सरकार और उनकी ब्यूरोक्रेसी कर रही है, इसलिए ये जनता जनार्दन भी देख रही है। हम लोग बीजेपी जब पावर में आएगा बंगाल में जरूर आएगा, कुछ दिन के अंदर ही आएगा, तब विकास का काम, बेरोजगारी खत्म करने का काम और कुर्मी समाज से लेकर बाहुरी समाज से लेकर हमारी जनजाति से लेकर सब लोग को भलाई करने का कोई करेगा तो बीजेपी करेगा। और हम लोग का काम के प्राथमिकता पुरुलिया बांकुड़ा को मिलेगा, इसलिए मिलेगा जो पिछले जनरल इलेक्शन हुआ 2021 में स्टेट में हम लोग को मेजोरिटी नहीं मिला, लेकिन पुरुलिया बांकुड़ा में हम लोग का मेजोरिटी ये लोग दिया। इसलिए यहाँ जो चुनाव होगा उसमें फिर एक बार भारी अंतर से कमल चुनाव जीतेगा और सब वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री करने के लिए, तीसरी बार के प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने वोट करेगा। जनता किसी भी हालत में यूक्रेन जैसा, इजराइल पैलेस्टाइन गाजा जैसा हालत बन जाए ये जनता के लिए शिकार नहीं है। इसलिए छोड़ दीजिए अगली बार 400 पार और वो 400 में पुरुलिया भी रहेगा।